हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल मीडियम ऑफ क्रिएशन में। आज मैं आप सभी को अम्ब्रेला कट प्लाजो की फुल कटिंग और स्टिचिंग वीडियो बताऊंगी। आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो प्लाजो मैं बना रही हूँ ये मैं अपनी जॉर्जेट की साड़ी से बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट सी है। इस पर चिकनकारी का काम हुआ है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसी साड़ी का यूज़ करके ये टॉप बनाया था। ये जो टॉप मैंने बनाया था इसका अपर जो पोर्शन है वो मैंने जो पल्लू होता है साड़ी का उससे मैंने बनाया था, जिसमें काफ़ी कढ़ाई थी। उसमें मैंने पोटली बटन दिया है नेक एरिया पे और कमर में मैंने ये नॉट दिया है, और नीचे मैंने प्लेन जो बाकी साड़ी थी उससे मैंने बनाया है। इसका मैं वीडियो आपको नहीं दे पाई क्योंकि मैंने इसको शूट तो किया था, पर इसकी कुछ वीडियोस मुझसे जो क्लिप्स होती हैं वो डिलीट हो गई थी, जो कि फिर मुझे मिल नहीं पाई थी वापस, तो मैं आपको इसको नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन मैंने ऐसे ही टॉप की काफ़ी कटिंग और स्टिचिंग अपने चैनल पर बताई, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो दुपट्टा है, इस दुपट्टे का मैंने फुल ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको सीखना हो तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस टॉप की वीडियो के लिए बहुत बहुत सॉरी। अब आज हम देखेंगे कि प्लाजो की कटिंग कैसे होती है। तो जो मेरा ये कपड़ा बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा है, ये पूरा 2.5 मीटर हमारा बचा है। 2.5 मीटर के फैब्रिक से हम ये प्लाजो बनाएंगे, और इसमें मैं अस्तर जो लगा रही हूँ क्रेप का अस्तर है। आप क्रेप का अस्तर लगा सकते हैं या सांटून का अस्तर या कॉटन का, जो भी वो आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे जो मेन फैब्रिक होता है, यानी कि जो हमारा ऊपर का फैब्रिक होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप अस्तर कैसा बना रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग देखेंगे। पहले सबसे पहले इसकी मार्किंग्स देखेंगे। तो मार्किंग जो हमारी, ये पहले 2.5 मीटर का कपड़ा है, तो आप इसमें से अगर आपके पास साड़ी में बॉर्डर है तो आप इसको निकाल लीजिए। अक्सर चिकनकारी अगर आपके पास साड़ियाँ हैं तो उसमें बॉर्डर्स होते हैं, तो आप बॉर्डर्स पहले हटा दीजिए, रिमूव कर देंगे आसानी से, तो हम इसको नीचे यूज़ कर सकते हैं हेम लाइन पे, यानी कि जो नीचे पूरा घेरा होता है प्लाजो का उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम कपड़े को ऐसे रखेंगे कि डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसको तिकोना बिछा लेंगे। डबल फोल्ड करके तिकोना, और बंद साइड उधर है और खुली साइड मेरी तरफ है। अब हम इसमें सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे। कमर के निशान के लिए जो भी हमारी हिप मेजरमेंट होगी, मान लीजिए कि हिप मेजरमेंट होती है 40, तो 40 का चौथाई भाग यानी कि 40 का चौथाई भाग जो होगा वो 10 होगा। 10 पे आप ऐसे इंची टेप रखेंगे, जहाँ पे ये देखिए ऐसे 10 पे आप इंची टेप रखेंगे जहाँ भी 10 आ रहा है, और ऐसे आप निशान लगा लेंगे। अब हमें गोलाई का निशान लगाना, यानी कि कमर की गोलाई का निशान, तो वो देने के लिए हम पहले इंची टेप को ऊपर एकदम कोने पे रखेंगे, और जहाँ हमने 10 का निशान लगाया था वहाँ पर आप ऐसे निशान लगाते जाइए। यानी कि जो भी हमारा जो हिप का मेजरमेंट होगा उसका हमें चौथाई भाग लेना है, यानी कि 40, तो उसका चौथाई भाग 10 हमने लिया है। अब आपको ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे आपको कमर पर लगाते जाना, ये 14 इंच पे आ रहा है। अब इस पर आप एक गोला ऐसे बना लेंगे, पूरा सर्कल, हाफ सर्कल ऐसे बना लेंगे। ऐसे बनाने के बाद जब आप इसको फिर से मेजर करेंगे, आप ये देखिए फिर से मेजर करिए, तो ये देखिए 11 इंच आ रहा है, यानी कि 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया है जब हमने कमर की गोलाई दी है। अब हमें प्लाजो की लंबाई लेनी है। प्लाजो की लंबाई लेने के लिए आप अपने कमर से नीचे पैर तक की पूरी लंबाई लेंगे। मान लीजिए 34 इंच आ रहा है, तो आपको कमर से 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखना है इंची टेप को, नीचे 34 इंच आपको मार्क कर लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा हम ऊपर इसलिए रखेंगे क्योंकि हम 2 इंच के बाद में बेल्ट लगाएंगे, तो उस 2 इंच को लेकर के हम नीचे 34 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमें गुलाई देनी है, तो जैसे हमने कमर पे गुलाई दी थी वैसे ही हम यहाँ पर गुलाई लेंगे। आप इंची टेप को ऊपर एकदम कोने पर रख लीजिए, और जहाँ हमारा 34 इंच हमने मार्क किया था वहाँ तक आप देखिए कितना आ रहा है, उतने पर हम मार्क करते जाएँगे। मान लीजिए 46 आ रहा है, तो ऐसे आप मार्क करते हुए चले जाएंगे। अब हम नीचे गुलाई का निशान देख रहे हैं, लगा चुके हैं। गुलाई के निशान के बाद आप देखिए ध्यान से कि हमारा 2 लेयर में कपड़ा कम पड़ रहा है। 2 लेयर में तो हमारे पास कपड़े हैं, पर 2 लेयर में हमारे कपड़े कम पड़े, तो हम इधर का कपड़ा उठा करके इधर लगाएंगे। अक्सर हमारा अम्ब्रेला कट कटिंग में कपड़े कम पड़ जाते हैं, तो हम इधर का कपड़ा लगाते हैं। अब हम पहले आसन का निशान लगाएंगे। आसन जो भी आपका हिप का जो भी मेजरमेंट होगा, यानी कि 40, उसका चौथा यानी कि 10, और 10 में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 12.5। अब फिर हम इंची टेप को पहले की तरह ही ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखेंगे इंची टेप को, और 12.5 पे हम निशान लगा लेंगे। जहाँ पे भी 12.5 आ रहा है आप वहाँ निशान लगा लीजिए। अब इधर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ऐसे आप 2.5 इंच पे निशान लगाइए। 2.5 इंच पे निशान लगा करके आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे करिए। इसके बाद ऐसे इंची टेप को रखिए और इस कोने पर ऐसे रख करके एक लाइन बना लीजिए। जॉर्जेट के कपड़े में थोड़ी सी मुश्किल होती है निशान लगाने पे, लेकिन आप आहिस्ते से लगा लीजिएगा। ऐसे करने के बाद आप यहाँ पे
क्रॉच एरिया बनाएंगे। अब इसमें हम एक इंच देंगे, एक इंच अंदर आप ऐसे निशान लगाएंगे, एक इंच ऐसे करके आप इसकी गोलाई दे देंगे, ऐसे गोलाई जैसे कि हम आर्म होल पे गोलाई देते हैं ऐसे ही गोलाई आप इसमें दे दीजिए। ये हमारे आसन का निशान हो गया है। आसन हमेशा जो हमारी हिप की मेजरमेंट होती है यानी मान लीजिए 40 आ रही है तो उसका चौथाई भाग 10 और उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके आप निशान लगाएंगे। तो आप ऐसे निशान बना लीजिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आप कमर से कटिंग स्टार्ट करेंगे, पहले कमर की कटिंग करेंगे आप, फिर उसके बाद आसन एरिया की, और उसके बाद हम नीचे जो नीचे लगाए थे पूरा, ये देखिए इसकी आप इसकी कटिंग कर लेंगे। इतना करने के बाद मैं आपको इसको जोड़ना बताती हूँ। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है, कमर इधर आसन हमने कट कर लिया है और नीचे हमारा ये जो था घेरा इसको हमने कट कर लिया। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा है उसको हम इसमें अटैच करेंगे। उससे पहले ये जो साइड में हमारा ये कपड़ा जुड़ा हुआ है इसको आप अलग कर लीजिए। इसको अलग करने के बाद आप कपड़े को देखिए, जो बचा हुआ कपड़ा था इसको आप ऐसे रखेंगे, यानी कि जो स्ट्रेट वाला कपड़ा है एकदम सीधा कपड़ा वो आप ऐसे रखेंगे, थोड़ा ऊपर करके आप रखेंगे क्योंकि सिलन में हमारा थोड़ा कपड़ा जाएगा। तो एक इंच एक्स्ट्रा लगभग ऊपर कपड़ा रख करके आप ये देख सकते हो ये जो निशान है नीचे आपको दिखाई दे रहा है घेरे का, ऐसे ही आप निशान इस पर भी बना लेंगे। यानी कि दो लेयर का हमारा एक कपड़ा था और दो लेयर में ही हमें ज़रूरत थी तो हम इसको कट कर लेंगे। अभी देखिए हम अस्तर पे भी जो हमारा 2.5 मीटर का अस्तर था उस पर भी हमने सेम ऐसे ही बना लिया है, लेकिन हम अस्तर उस वाले से थोड़ा छोटा रखें, यानी कि मेन फैब्रिक से लगभग 2 इंच हम कम रखेंगे क्योंकि जो हमारा अस्तर होता है वो थोड़ा सा हमारा छोटा होता है। अब ऐसे ही हम कट कर लेंगे। इसमें भी कपड़ा हमारा देख सकते हैं आप कि दो लेयर में हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, ये जो कपड़ा बचा हुआ है हम उसको लगा देंगे। अब पहले आप ऐसे कटिंग कीजिए। ऐसे कटिंग करने के बाद ये देखिए आप ऐसे ही इसमें अटैच करेंगे, ऐसे जो बचा हुआ कपड़ा था उसको हम ऊपर रखेंगे, ऊपर ऐसे रख करके आप देख सकते हैं आपको ऐसे अटैच करना। अब अटैच करना मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आप रखिए कपड़े को और यहाँ से यहाँ तक सिलन चला दीजिए, ऐसे इस पर करिए और ऐसे ही इस पर कर लीजिए। ऐसे करके जब आप करेंगे सीधा, ऐसे देखिए जब हम सिलन करके ऐसे सीधा करेंगे तो हमारा कपड़ा ऐसे आ जाएगा, और जो हमारा इधर एक्स्ट्रा है इसको आप कट कर लीजिए। अब ये देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक था उसमें हमने अटैच कर लिया है, नीचे जो हमारा कम पड़ रहा था कपड़ा उसको हमने अटैच कर लिया है, और ये जो आसन था हमारा आसन में भी हमने सिलन चला दी है, दोनों तरफ के आसन में हमने सिलन ऐसे चला ली है। देखिए हम आपको समझाते हैं, ऐसे देखिए ऐसे आप आसन पर जब आप सिलन ऐसे चला लेंगे तो ये देखिए हमारा जॉइन हो जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों जॉइन हो जाएगा प्लाजो। अब यहाँ पे जो साइड है साइड की हम सिलन दे देंगे, साइड की सिलन देने के बाद ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो हम थोड़ा अंदर मोड़ देंगे। अब हमें नीचे की मुड़ाई करनी है, नीचे की मुड़ाई आप थोड़ी थोड़ी ऐसे कर दीजिए, आप हल्की हल्की पूरी गुलाई में आप मुड़ाई कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे, पहले आप नीचे थोड़ा थोड़ा मोड़ लीजिए। अब जो हमारा अस्तर का कपड़ा था उसको भी हमने सेम ऐसे ही सिल लिया है, ये देखिए जो हमारा अस्तर का कपड़ा था उसको हमने सेम ऐसे ही सिल लिया है आसन का, और ये साइड का हमने सिलन लगा लिया है पूरा, ये भी बन करके तैयार हो गया है। और ये देखिए आप देख सकते हो नीचे हमने ऐसे ही पूरा मोड़ दिया है। अब इसके बाद हमें जो नीचे बॉर्डर था वो अटैच करना, आप इस कपड़े को मोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आपको बॉर्डर अटैच करना। बॉर्डर अटैच करने के लिए आप ऐसे जो बॉर्डर होगा उसका जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आप उसको ऐसे मोड़िए, दोनों तरफ के ऐसे मोड़ करके आप इसके ऊपर ऐसे ही जो सीधा साइड होगा कपड़े का उसी पे आपको इसको अटैच कर देना है, पूरे पे पूरे गोलाई पे दोनों पैरों में आपको इसको ऐसे अटैच कर देना है। इसके बाद आपको इसको सीधा कर लेना है, देखिए मैंने अटैच कर लिया है, हमें सीधे साइड पे ही बॉर्डर को अटैच करना है। हमने कपड़े को सीधा कर लिया, ऐसे हमने अस्तर के भी कपड़े को सीधा कर लिया है। अब आप देखिए अब हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, यानी कि अस्तर का जो कपड़ा है इसको ऐसे पकड़ेंगे और मेन फैब्रिक के एक पैर में एक पैर को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि एक जो तरफ का हमारा होगा प्लाजो उसको ऐसे हम इंसर्ट कर देंगे, दूसरी तरफ का दूसरी तरफ, और जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर से मैच करा लेंगे, यानी कि अस्तर और मेन फैब्रिक के सेंटर्स को मैच करवा लेंगे। मैच करवाने के बाद आप इस पर एक पिन से इसको सिक्योर कर लीजिए, जैसे इधर उधर ना हो, सिलन के टाइम पे आपको आसानी रहे। ऐसे आप पीछे का जो सेंटर होगा उसको मैच करवा लेंगे और साइड में भी हम अच्छे से कपड़े को मैच करवा करके चारों तरफ इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद हमें पूरी गोलाई पर इसके सिलन चलानी है। आप इसको अच्छे से
सिक्योर कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी होगी आपको सिलन चलाने में, नहीं तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं तो हमारी सिलन अच्छे से नहीं हो पाती। देखिए हमने पूरी गुलाई पे हमने सिलन लगा ली है। सिलन लगाने के बाद अब हमें बेल्ट अटैच करना है। जो हम बेल्ट कट करेंगे वो हम दो बेल्ट कट करेंगे, यानी कि फ्रंट की अलग और बैक की बेल्ट अलग। तो जो इसकी चौड़ाई होगी वो हम 5 इंच रखेंगे, यानी कि चौड़ाई 5 इंच रखेंगे इसकी, क्योंकि हम 2 इंच की बेल्ट बना रहे, तो ये डबल फोल्ड होकर के ये 2.5 इंच होगा और आधा आधा इंच हमारा जाएगा इसका सिलन में। और इसकी जो लंबाई होगी वो हम कमर के हिसाब से ही लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे साइड में सिलन के लिए। साइड में सिलन के लिए इसलिए जाएगा क्योंकि हम देखिए सिलन ऐसे लगाएंगे, ऐसे हम कपड़े को पकड़ेंगे, ऐसे दोनों कपड़े को पकड़ेंगे और साइड में हम सिलन लगा देंगे, तो आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ चला जाएगा। तो हम कमर से थोड़ी लंबी हम बेल्ट लेंगे, ऐसे इधर लगा देंगे और ऐसे ही इधर भी हम ऐसे ही 2 अस्तर और 2 मेन फैब्रिक कट करेंगे बेल्ट के लिए। अब इसमें अटैच करने के लिए आपको पहले देखिए ऐसे जैसे हमने सिलने बताया था वैसे हम सिल लेंगे। ये देखिए हो गई है कमर के बराबर सिलने के बाद। अब हमें इसे अटैच करना है, अटैच करने के लिए आपको ऐसे रखना है और उसके बाद हमें इसको ऐसे पलट के इसके ऊपर रखना है, सेंटर से सेंटर को आप मैच करवा लीजिए अच्छे से, साइड्स को साइड से अच्छे से मैच करवा लीजिए और पिन से इसको भी सिक्योर कर लीजिए ताकि हमें इसमें सिलन लगाने में फिर से आसानी रहे। ये देखिए हमने सिलन लगा लिया है। अब हमें इतनी सिलन लगाने के बाद क्या करना है कि जो ऊपर का कपड़ा है हमारा ये यहाँ पे ऐसे पकड़ करके थोड़ा मोड़ करके इसके ऊपर रख देना है, यानी कमर जो हमारी सिलन लगी थी कमर की वहाँ पे हमें रख लेना है। ऐसे हमें पूरी गुलाई पे लगा लेना है सिलन, बस पीछे वाले पार्ट में थोड़ा थोड़ा साइड में हमें छोड़ देना है क्योंकि वहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। यहाँ पूरे में सिलन लगा के इतना इतना हम छोड़ देंगे दोनों तरफ पीछे के साइड में, आगे हमें पूरी सिलन लगा लेनी है। देखिए अब हम आपको सिल करके इसको बताते हैं। ये देखिए हमारी बेल्ट ऐसे बन करके तैयार हुई है और इतनी इतनी जगह हमने छोड़ करके रखी हुई है क्योंकि हमें यहाँ से इलास्टिक डालनी है। जो हमारी इलास्टिक होगी वो हम सिर्फ पीछे वाली बेल्ट में डालेंगे, आगे वाली बेल्ट में हम इलास्टिक नहीं लगाएंगे। इलास्टिक का जो नाप होगा अपनी कमर के नाप का आधा आप लेंगे, यानी मान लीजिए 34 आ रहा है उसका आधा होगा 17, उसमें 4 इंच और कम कर देंगे यानी कि 13, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले लेंगे 14 इंच, यानी कि आधा आधा इंच दोनों तरफ ऐसे सिलन के लिए। इसमें आप इलास्टिक को इंसर्ट करके आप सिलन लगा लीजिए और फिर आप बीच में एक टॉप स्टिच दे दीजिए तो हमारी इलास्टिक इसमें लग जाएगी और हमारी बेल्ट पूरी बन करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी प्लाजो बन करके रेडी हो गई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से ये अम्ब्रेला कट प्लाजो बन करके तैयार हो जाता है और पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।